नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ध्येय वाक्य कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राशन वितरण करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली से बेहतर रही है। और वहीं कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासियों को वितरण किए गए राशन के मामले में राज्य का पूरे देश में पहले नंबर पर स्थान रहा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेशाध्यक्ष पद पर किसे बिठाना है, इस बारे में फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को करना है। हमें जो दायित्व मिलता है हम उसे निभाते हैं। सत्ता संगठन में कौन कहां रहेगा इसका निर्णय आलाकमान को करना है। उन्होंने आज प्रदेशाध्यक्ष पद पर बदलाव के संबंध में प्रश्न के जवाब में यह बात कही। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मैंने अपना दायित्व अब तक बखूबी निभाया है और जब मैं प्रदेशाध्यक्ष बना तब राज्य में कांग्रेस के पास 21 सीटें थी और आज कांग्रेस सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने शानदार काम किया है और इसका श्रेय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। चूरू जिले में एक अध्यापिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। यह घटना जिले के सरदार शहर में वार्ड नंबर 20 में सोनी स्कूल के पास हुई। पुलिस के अनुसार कीकासर गांव में सेवारत अध्यापिका ने आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष ने महिला की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी है, उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रदेश में अब होटल व रेस्टोरेंट बार में महफिलें जमने लगेगी। आबकारी विभाग ने होटल व रेस्टोरेंट बार आरंभ करने की अनुमति जारी कर दी है। आदेश के अनुसार प्रदेश के वैध होटल बार, रेस्टोरेंट बार तथा क्लब बार शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। आबकारी आयुक्त बीसी मलिक ने इस बारे में आदेश जारी किया है। कोटा में एक कार चालक ने पुलिस हेड कांस्टेबल पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। हेड कांस्टेबल घायल हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस के अनुसार शहर के एरोडोम सर्किल के पास हेड कांस्टेबल ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने कार को रोकने के बजाय उसे भगा लिया और इस दौरान हेड कांस्टेबल कार की चपेट में आ गया। राजस्थान के भरतपुर जिले के डी कस्बे में सोमवार को एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी। मंगलवार को उसके पति ने भी जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार सुमन नामक महिला ने कल जहर खा लिया था, जिसे गंभीर अवस्था में भरतपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और मंगलवार को महिला के पति जगदीश ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश से तेज गर्मी से राहत मिली। प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और वहीं गर्मी से आम जन को राहत मिली। प्रदेश में मॉनसून आने से पहले आई बारिश से लोगों के चेहरों पर खुशी उमड़ आई। जोधपुर, टोंक, झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। जोधपुर जिले में मौसम का मिजाज बदल गया, कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है और इससे उमस और गर्मी से आमजन को राहत मिली। राजस्थान के विधायकों के लिए विधायक नगर पश्चिम में बहुमंजिली आवास बनाए जाएंगे और 160 आवास राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बनाए जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द ही फर्स्ट ग्रेड टीचर के 5000 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उम्मीद बताई जा रही है कि मंगलवार रात या बुधवार से विषयवार परिणाम जारी होना शुरू हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर में साइबर ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। जालसाजों ने एक वृद्ध दंपति को बैंक खाता बंद होने का हवाला देकर करीब 2.25 लाख रुपए पार कर दिए। इस संबंध में अग्रवाल फॉर्म मानसरोवर निवासी पीड़िता रंजना मेहता ने विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के लिए अच्छी खबर। प्रदेशवासियों का मॉनसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मॉनसून मरुधरा के दक्षिणी द्वार तक पहुंच चुका है और अगले 24 घंटों में इसके प्रदेश में प्रवेश करने की पूरी उम्मीद है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में अत्यधिक और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
बांसवाड़ा जिले में हाल ही में वन विभाग की ओर से कराई गई वन्य जीव गणना में वन विभाग और जिले के लिए बड़ी खुशी की बात सामने आई। जिले में इस बार पैंथर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जिले में कुल 51 पैंथर हैं और जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र घाटोल में है। करीब 20,000 हेक्टेयर में यह वन क्षेत्र फैला हुआ है और यहाँ पर सबसे ज्यादा 26 पैंथर इसी रेंज के जंगल में देखे गए। देश भर में 25 मई से फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी जयपुर एयरपोर्ट को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर एयरपोर्ट सूने नजर आ रहे हैं। अनलॉक 1.0 के बाद फ्लाइट्स का संचालन अभी सही तरीके से केवल जयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ही हो रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन 15 से 16 फ्लाइट संचालित हो रही हैं। हालांकि लॉकडाउन से पहले औसतन 64 फ्लाइट संचालित हो रही थी, यानी पहले की क्षमता के मुकाबले 25% फ्लाइट ही चल रही हैं। कोविड-19 का साया इस बार हज के सफर पर भी पड़ा। सऊदी अरब सरकार ने केवल अपने ही देश के लोगों को हज कराने का फैसला लिया, जिसके बाद भारत सहित पूरे दुनिया से लोग हज के लिए नहीं जा पाएंगे और ऐसे में राजस्थान के भी 5,354 लोग इस बार हज नहीं कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। रेलवे ने देश भर में चुनिंदा ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है और ट्रेनों की संख्या को जुलाई में बढ़ाने की तैयारी भी कर ली है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों से जुलाई माह में करीब 48 ट्रेनें संचालित करने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, लेकिन पूर्व में संचालित हो रही और आगामी दिनों में संचालित होने वाली किसी भी ट्रेन में जनरल टिकट और मंथली सीजन टिकट पर यात्रा प्रतिबंधित की हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।